तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा है, इसीलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है, कारण नेता अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं, जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु हैं, उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राग्ञ तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है वे ही माता मान में और मति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता क्रिया कारण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरियातीत, कोई निर्गुण बताता है, कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं और कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वीतराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं के कथनुसार वे निंद्रिय हैं तो किन्हीं के मत में सेंद्रिय है। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव, कोई उन्हें साकार बताता है तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य, कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अवर्णनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत, कोई उन्हें चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचित्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है वे ज्ञान स्वरूप हैं, कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं, किन्हीं के मत में श्रेय हैं और किन्हीं के मत में अजेय, कोई उन्हें पर बताता है तो कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इस नाना प्रकार की प्रीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ रूप का निश्चय नहीं कर पाते। कोई सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, वे ही उन परम कारण भगवान शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक भगवान शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों में बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक श्री ब्रह्मा के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचिता सुवर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का भी साक्षात्कार कर लेता है, तब वह पुण्य और पाप दोनों की भांति भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 5। भगवान शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वमय सर्वव्यापक एवं सर्वातीत स्वरूप का तथा उनकी प्रणव रूपता का प्रतिपादन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, भगवान शिव को न तो अणव मल का ही बंधन प्राप्त है, न कर्म का और न माया का ही। प्राकृत बोध अहंकार मन चित्त इंद्रिय तन्य मात्रा और पांच भूत संबंधी भी कोई बंधन उन्हें नहीं छू सका। अमित तेजस्वी शंभु को ना काल न कला न विद्या न नियति न राग और न द्वेष ही बंधन प्राप्त है। उन्हें न तो कर्म है, न उन कर्मों का परिपाक, न उनके फल स्वरूप सुख और दुख है, न उनका वासनाओं से संबंध है, न कर्मों के संस्कारों से भूत भविष्य और वर्तमान भोगों तथा उनके संस्कारों से भी उनका कोई संपर्क नहीं है, न कोई उनका कारण है, न कर्ता है, न आदि है, न अंत है और न मध्य है, न कर्म है और न कारण है, न अकर्तव्य है और न कर्तव्य ही है। उनका कोई न कोई बंधु है और न अबंधु, न कोई नियंता है, न कोई प्रेरक, न कोई पति है, न गुरु है और न ही त्राता ही है। उनमें अधिक चर्चा कौन करे, उसके समान भी कोई नहीं है। उनका न जन्म होता है न मरण, उनके लिए कोई वस्तु न तो वांछित है और न अवांछित, उनके लिए न कोई विधि है न निषेध, न कोई बंधन है न मुक्ति। जो जो कल्याणकारी दोष हैं वे कभी उनमें नहीं रहते, परंतु संपूर्ण कल्याणकारी गुण उनमें सदा ही रहते हैं।
कोई भगवान शिव साक्षात परमात्मा है, क्योंकि वे अपनी शक्तियों द्वारा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर अपने स्वभाव से चयुत न होते हुए भी सदा ही स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें स्था अणु भी कहते हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान शिव से अधिष्ठित है, अतः है भगवान शिव सर्वरूप माने गए। जो ऐसा जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता। रुद्र स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। वे सत्व रूप हैं, परम महान पुरुष हिरण्यबाहु भगवान हिरण्यपति, ईश्वर अंबिकापति, ईशान पीनाकमणि तथा वृषभ वाहन है। एकमात्र रुद्र ही पार ब्रह्म परमात्मा है। वे ही कृष्ण पिंगल वाले हैं। वे उनके हृदय के भीतर कमल के मध्य भाग में केश के अग्रभाग की भांति सूक्ष्म रूप से चिंतन करने वाले उनके योग्य हैं। उनके केश सुनहरे रंग के हैं, नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, अंग कांति अरुण और तमन वर्ण की है। वे स्वर्णमय नीलकंठ सदा विचरते रहते हैं। उन्हें सौम्य घोर मिश्र अक्षर अमृत और अवव्य कहा गया है। वे पुरुषा विशेष परमेश्वर भगवान शिव काल के भी काल हैं, चेतक और अचेतक से परे हैं, इस प्रपंच से भी परातत्पर हैं। भगवान शिव में ऐसे ज्ञान और ऐश्वर्य देखे गए हैं जिनसे बढ़कर ऐश्वर्य और ज्ञान अन्यत्र नहीं है। मनीषी पुरुषों ने भगवान शिव को लोक में सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर प्रतिष्ठित बताया है। प्रत्येक काल में उत्पन्न होकर एक सीमित काल तक रहने वाले ब्रह्मताओं को अधिकाल में विस्तार पूर्वक शास्त्र का उपदेश देने वाले भगवान शिव ही हैं। एक सीमित काल तक रहने वाले गुरुओं के भी वे गुरु हैं। वे सर्वेश्वर सदा सभी के गुरु हैं। काल की सीमा उन्हें छू नहीं सकती। उनकी शुद्ध स्वाभाविक शक्ति सबसे बढ़कर है। उन्हें अनुपम ज्ञान और नित्य अक्षय शरीर प्राप्त है। उनके ऐश्वर्य की कहीं तुलना नहीं है। उनका मुख अक्षय और बल अनंत है। उनमें असीम तेज प्रभाव पराक्रम क्षमा और करुणा भरी है। वे नित्य परिपूर्ण हैं। उन्हें सृष्टि आदि से अपने लिए कोई प्रायोजन नहीं है। दूसरों पर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मों का फल है। प्रणव उन परमात्मा भगवान शिव का वाचक है। शिव रुद्र आदि नामों में प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। प्रणव वाच्य भगवान शंभु के चिंतन और जाप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वही परासिद्धि है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए शास्त्रों के पारंगत मानसवी विद्वान वाचवी और वाचक की एकता स्वीकार करते हुए महादेव जी को प्रणव स्वरूप कहते हैं। मंडुक्य उपनिषद में प्रणव की चार मात्राएं बताई गई हैं, अकार उकार मकार और नाद। अकार को ऋग्वेद कहते हैं, उकार यजुर्वेद का स्वरूप कहा गया है, मकार सामवेद का और नाद अर्थवेद की श्रुति है। आकार महाबीज है, वह रजोगुण तथा सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा है। उकार प्रकृति रूप योनि है, वह सत्वगुण तथा पालनकर्ता श्री हरि। मकार जीवात्मा एवं बीज है, वह तमोगुण तथा संघारकर्ता रुद्र है। नाद परम पुरुष योगेश्वर, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी तीन मात्राओं के द्वारा ही तीन रूपों में इस जगत का प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा नाद के द्वारा शिव स्वरूप का बोध कराता है, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी नहीं है, जिनसे बढ़कर न तो कोई अधिक सूक्ष्म है और न ही महान, तथा जो अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित है। उन परम पुरुष परमेश्वर शिव से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। ओम नमो शिवाय। अध्याय 6, परमेश्वर की शक्ति का ऋषियों द्वारा साक्षात्कार। भगवान शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति। भगवान शिव की सेवा भक्ति तथा पांच प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है, जो सबसे विलक्षण है। वह एक होकर भी अनेक रूप से भासित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप से प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छागान क्रिया और माया आदि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां प्रकट होती हैं, उसी से सदा शिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येश्वर आदि पुरुष भी प्रकट हुए हैं। परातत्पर प्रकृति भी उसी से उत्पन्न हुई है।
महत्व से